तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं पोलो फोक्सवैगन का रिव्यू करेंगे, जो कि है बेस मॉडल फुली मॉडिफाई, इसकी वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहले मैं चलो आपको इसका पहले वॉक अराउंड करके आपको इसकी लुक दिखा देते हैं। ये बेस मॉडल है और ये फुली मॉडिफाई करी है, आप देख सकते हो। इसमें खाली इसमें ज़रूर स्टील रिम्स लग रहे हैं और बाकी सब मॉडिफाई। इसमें लाइट बम्पर वम्पर में कुछ जो कुछ भी है सब कुछ बात करेंगे अभी। वैसे दिखने में बहुत ही अच्छी दिख रही है भैया, इसकी लाइट्स पूरी स्मोक है और जो लाइट है सब एलईडी है, इसमें बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो चलिए ये वीडियो करते हैं स्टार्ट अब। तो इसमें मिलती है आपको, ये पेट्रोल इंजन है वह 1000 सीसी का, जो कि इसमें मिलता है वह 108 BHP पावर और 187 NM टॉर मिलता है इसमें आपको। ये तो इसमें आपको देखिए, चल फ्रंट से बात कर रहे हैं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है कुछ 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, और आप देख सकते हो। और चलिए अब हेडलाइट देखो, इसमें हेडलाइट जो कि इसमें पूरी LED लग रही है, ये देखो। जैसे मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा, आपको दिख रहा होगा शायद इसमें सुबह के टाइम। ये कुछ भाई ने ऐसे बम्पर में लगाया है आफ्टर मार्केट, ये देखिए बेस मॉडल में। और इसमें नीचे ये भी देखो फॉग लैंप है, फॉग लैंप में भी LED लग रहा है, ये बहुत अच्छा है इसमें, ये देखो। और दूर से देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, ये देखिए, ये देखिए नंबर प्लेट इसका जर्मन मस्कुलर बोल के निकल रहा है। इस तरह इसका ये मैट फिनिश किया गया है, ये देखो इसका ग्रिल इस तरह का है कुछ। और वैसे तो सामने से अच्छी दिख रही है, ये कार टोइंग का लग रहा है ये भी, ये देखिए। ये तो ऐसे ही है भाई, इसमें चाइना स्क्रू से लग रहा है, जैसे अगर बाई मिस्टेक लिया आपने इसको टोइंग करा तो बम्पर ही हाथ में आ जाएगा इसका। तो ठीक है, मतलब उसके हिसाब से भाई ने मॉडिफाई करा ये, ठीक है। और साइड प्रोफाइल से देखते हैं अब, ये देखिए साइड प्रोफाइल देखते हैं इसके। वाइपर सब कुछ चेंज है, ऊपर इसका ड्यूल टोन किया गया, ऊपर आप देख ही सकते हो ब्लैक किया गया ये देखिए। ये क्या बारिश गिरने के कारण कुछ इसका डस्ट गंदी हो रही है, ऊपर देखिए ब्लैक हो रहा है। ये डोर वाइजर लग रहे हैं इसमें, और जो कि बेस मॉडल में आपको पता होगा मिरर्स में कभी लाइट्स ही नहीं गई, ये आफ्टर मार्केट ये भाई ने लगाई, जो कि ब्लैक करा खाली है, ये देखिए। और ये देखो साइड प्रोफाइल अच्छी दिख रही है वैसे, जैसे टाटा अल्ट्रोस। और इसमें फ्यूल टैंक इस तरफ है, ये देखिए पेट्रोल का इसमें मिलता है, 47 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा। और इसके कुछ 15 इंचज़ के स्टील रिम्स है, जो कि 185/60 और 15 के टायर्स के। आप लाइट देख सकते हो, लाइट ये भाई ने ब्लैक स्मोक कराई, लाइट बहुत अच्छी दिख रही है देखिए एकदम। ये पोलो भाई मॉडिफाई कराने के बाद में बहुत ही गजब की दिखती है वैसे। इस तरफ आप देखो ये टर्बो की बैचिंग है फोक्सवैगन का, ये नया लोगो है इसका, ये देखिए। इसमें मतलब भाई ने रैप किया गया है लोगो पे, क्रोम का लोगो था ताकि ख़राब ना हो। ये कुछ इस तरह वाइपर है, ये देखिए ऊपर शार्क एंटीना, और ये टर्बो का इस तरफ कुछ एक्स्ट्रा बैचिंग है। ये पोलो ये निकला, पोलो का ये देख ही सक रहे हो आप, ये पेंट किया गया है, ये इसका ब्लू कलर है नहीं। और इसमें 4 पार्किंग सेंसर्स है, 1, 2, 3, 4, और कैमरा भी लगाया आफ्टर मार्केट, ये देखिए। और जो कि ये तो दूर से आप देखोगे तो ऐसे लग रहा है जैसे रियल एग्जॉस्ट है, पर ये रियल नहीं, ये आफ्टर मार्केट लगाया है। या लाइट रिफ्लेक्टर भी बहुत अच्छे है इसमें, वैसे तो बहुत ही अच्छी दिख रही है पीछे से। जैसे आप देखते हो, देखो साइड से आप देखोगे तो ऐसे लगता है जैसे इसमें रियल एग्जॉस्ट है क्या, ये देखिए। पर रियल एग्जॉस्ट है नहीं ये, फिर भी ठीक है। और इसका क्या है, ड्यूल टोन कराने के कारण इसमें थोड़ी लुक आ रही है, ये देख सकते हो आप। इस तरफ से भाई ने ये कराया है, ये पेंट किया है ऊपर, अच्छा है, ये देखिए। डोर वाइजर सी लगाने से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो चलिए अब इसका अब इंटीरियर देखते हैं अंदर से। चलिए वैसे तो ओवरऑल ठीक लग रही है कार, देखने में बहुत ही अच्छी लुक है इसकी, ये देखिए। अब अनलॉक किया है मैंने इसको, अंदर से देखते हैं इसका। तो आप डोर पहले देख ही सकते हो, ये डोर पूरी ब्लैक कराई है। ये डोर में आप देखते हो तो साइड्स में अच्छे है, इसमें पावर्स विंडोज़ के मिरर्स के कंट्रोल दिए गए, साइड्स मिरर्स के दिए गए, और इसके कुछ इस तरह के बहुत अच्छा है इसमें। आप बॉटल तो आप देख ही सकते हो, सिंगल बॉटल रख सकते हो आप इसमें। कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड है,
ऊपर इसमें रूफ वाइट और सीट्स पूरे डैशबोर्ड के साथ ब्लैक है, बहुत ही अच्छा मैचिंग किया है ये, मतलब भाई ने कराया आफ्टर मार्केट। आप देख सकते हो स्टीयरिंग में भी, ये देखिए ये देखिए, ये मतलब रेडियम यूज़ किया है इसमें। आप साइड से ज़रूर देखोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। ये देखिए तो इसमें एलईडी स्क्रीन लग रही है, पूरा इंटीरियर इसका ब्लैक और ये रूफ आप देख सकते हो वाइट है। इसमें देखिए ये भी एलईडी लाइट है, बहुत ही अच्छा किया है बेस मॉडल में भाई ने। साइड में डोर हैंडल्स है, ये देखो बहुत अच्छा है इसका। चलिए मैं आपको इसका मीटर दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह कुछ इसका स्पीडोमीटर है, ये बहुत अच्छा है भाई। इसमें देखिए 240 की स्पीड है भाई इसमें मीटर में, ये देखिए भाई 240 की स्पीड है। और साइड्स में आपको एसी के 4 एसी वेंट्स दिए गए सामने डैशबोर्ड में, ये देखिए बहुत ही अच्छा है ये, 4 एसी वेंट्स अच्छे हैं इसके। कुछ ये भाई ने आफ्टर मार्केट, ये देखिए कुछ इस तरह की इसकी एलईडी स्क्रीन लगवाई 9 इंच इसकी, ये देखिए। और स्टीयरिंग भी नॉर्मल है, बेस मॉडल है, जो कि फिर भी ठीक लग रही है दे, ये देखो इस तरह ठीक है फिर भी। और इसका 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, ये देखिए। और जैसे आप यहाँ पे कुछ छोटे बॉटल्स रख सकते हो, चेंज रखते हो, ये चार्जिंग पॉइंट दिया है इसमें, एसी के कंट्रोल्स है। और ये सब भाई ये सब डमी है, कुछ है नहीं इसमें, ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं डमी है। ये सब हॉर्न एयरबैग्स, 2 एयरबैग्स दिए गए हैं, देखिए वहाँ पर इस तरफ 2 एयरबैग्स हैं, ये देखिए इसमें स्क्रीन है इस तरफ, ठीक है। ऑलमोस्ट ओवरऑल ठीक है ये कार ज़्यादा, ये देखिए जैसे इनको क्या था, चलो ठीक है, इनको यहाँ पे इन्होंने आर्मरेस्ट भी दिया नहीं है, पता नहीं इसने, ये देखिए जैसे आर्मरेस्ट तो चाहिए इसमें, तो भाई ने कस्टम कराया जब कुछ हुआ होगा, मतलब निकलवा दिया होगा। तो अब सेकेंड रो की बात करते हैं, चलो सेकेंड रो में दिखाता हूँ आपको। सेकेंड रो में चलिए, वैसे यार आपको पता होगा पोलो बहुत सबकी पसंद है, मतलब सब सब के अलग अलग पसंद रहती है, फिर भी अगर इसको मॉडिफाई कराने से बहुत ही गजब की लुक आती है कार में इसमें। चलिए सेकंड तो देखते हैं अभी। तो जैसे कि अब हम आ गए हैं सेकंड रो में, तो सेकंड रो में सेम बैठने के बाद में इसमें भाई थोड़ा कंफर्ट ठीक कम है, वैसे स्पेस आप देख सकते हो ज़्यादा स्पेस है नहीं इसमें, ये देखिए इसमें स्पेस बहुत कम है सेकेंड रो के लिए, ये देखिए। जैसे अब ड्राइवर तो सीट थोड़ा सामने कर लेगा, तो पैर थोड़े आप लंबे कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ये देखिए फिर भी ठीक है। ओवरऑल इसमें यार स्पीकर्स दिए गए डोर में, 4 डोर में स्पीकर्स है। और ऊपर सेकेंड रो में भाई इसमें तो लाइट भी नहीं दी गई है, जैसे अगर सेकेंड रो में आप ऊपर इस तरफ भी लाइट देते हैं ना बहुत सी कारों में सेंटर इधर, तो इसमें या इस तरफ भी लाइट दी नहीं गई, ये देखिए ठीक है। ओवरऑल इसमें आराम से 3 लोग बैठ सकते हो, और इसमें 2-5 लोग आराम से बैठ के जा सकते हो, ठीक लग रही है वैसे तो कार भाई ने कराई है। सीट्स ये देखो कुछ अच्छी है। चलिए अब इसका लास्ट बूट स्पेस देखते हैं इसका क्या है क्या नहीं। अच्छा ओवरऑल कार तो खैर, चलिए ये लगा दिया है। अब इसका देखिए ओपन करते हैं, रुकिए तो भाई और एक दिखा देता हूँ, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे खुलता है। तो ये देखिए इस तरह खुलता है ये देखिए इस तरह यही बेंड हो जाता है इससे, जैसे आपको देखो ये देखो ये देखो आप खुल गया इसकी डिक्की। चलो इसमें ठीक है, पोलो वाले ने हाइड्रोलिक दिया है, वरना महिंद्रा में तो आपने देखा होगा इसमें नॉर्मल एक ऐसे ही दे देता है, हाइड्रोलिक तो देता नहीं कुछ। इसका देखिए कुछ 350 के ऊपर इसके बूट स्पेस है, ठीक है। ये देखिए इसमें पीछे कुछ है नहीं भाई ने, कुछ स्पीकर्स नहीं लगाए इसमें, वरना बहुत लोग बेस ट्यूब लगाते हैं आपको पता होगा। चलिए ओवरऑल ठीक है सब कार। अब मैं इसका एक बार लाइट ऑन करके देखते हैं लाइट कैसी है कैसी नहीं, ये देखिए। तो यार मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा है इसका एकदम, जो कि भाई किसी ने अगर पहली बार ले रहा है देख रहा होगा ना उसको पता भी नहीं चलेगा कि कैसी है ये। चलो इसकी लाइट देखते हैं एक बार, अभी रुकिए। ओवरऑल कार ठीक है यार, वैसे एवरेज भी दे देगा
पर इसका मेंटेनेंस थोड़ा हाई है इसका। रुकिए अभी लाइट ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई लाइट इसकी नॉर्मल है, मुझे लगा था यार एलईडी है, पर इसमें एलईडी जो कि इंडिकेटर्स में लगाया है भाई ने, ये देखिए। तो ठीक है भाई, सॉरी इसके लिए, मैंने सोचा एलईडी होगा, एलईडी है नहीं। तो भाई बस इतना ही, कुछ रह गया तो भाई सॉरी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए। जय श्री राम।